तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। समझ में ये नहीं आता कि क्या हम झारखंडवासी बेवकूफ़ हैं या फिर ऐसे पदाधिकारी वो बहुत ज़्यादा शातिर हैं। इस सवाल का जवाब तो शायद मिलना बहुत ज़रूरी है, पर फिलहाल मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिधर देखिए उधर ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी नज़र आ जाती है। हम तमाम गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं एक एक करके। जो भी मामले हमारे सामने आ रहे हैं हम जनता के सामने रख रहे हैं। अब इस पर एक्शन तो सरकार को लेना है, जैसे इस मामले में एक्शन ईडी को लेना है। ईडी फिर से आपसे पूछ रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं कि देखिए आप तो फिलहाल जो है भाड़े के कार्यालय में काम कर रहे हैं, हर महीने की वहां पर आपको पैसे देने पड़ते होंगे। एक शानदार सा ऑफिस हम आपको दिखा रहे हैं, ये आलिशान घर, एक बार फिर से उस रिपोर्ट को देखिए, देखिए आपके लिए ऑफिस की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था। और ये पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। एक बार इस रिपोर्ट को फिर से देखिए और उसके बाद फिर हम आकाश के पास फिर से चलते हैं। एक बार देखिए, समझिए इसे फिर से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुनिए, आपको तो नए कार्यालय की जरूरत है, फिलहाल आप किराए के कार्यालय में काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको कुछ जगह दिखाते हैं। वैसे तो मनोज कुमार एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं और एक सामान्य कोऑपरेटिव ऑफिसर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वो राजधानी के तमाम पॉश इलाकों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खरीद सके, लेकिन मनोज ने ऐसा ही किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनके घर की, जो हिनू के गांधीनगर में स्थित है, वो तस्वीर जिसे देख कर आप चौंक जाएंगे। इनमें से कुछ जगहों को चुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, गांधीनगर हीनू रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। प्रॉपर्टी नंबर 2, हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। अब आपको एक दूसरी तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जिसे देखने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है मनोज कुमार के भ्रष्टाचार की कमाई के पैसे से बने उस मकान की, जो हरमू के बेहद पॉश लोकेशन में है, महेंद्र सिंह धोनी के आवास के ठीक पीछे है, परिमल नाथवानी के आवास के पास है, जिसे मनोज कुमार ने किराए पर लगा रखा है और उन्होंने इसे श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 लाख रुपए मासिक किराए पर दे रखा है। ये वही कंपनी है जो रांची नगर निगम के लिए काम करती है। बहरहाल कंपनी से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन आप इस बिल्डिंग को देखिए, इस मकान को देखिए कि किस कदर उन्होंने एक आलीशान मकान जिसकी आज की तारीख में कई करोड़ की कीमत है यहाँ बनवा रखा है और इसे किराए पर लगा रखा है। महज ये 2 तस्वीरें ही नहीं हैं, मनोज कुमार की कुंडली यदि खंगाली जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी सामने निकल करके आएंगी। अभी हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ पहले स्कूल चला करता था, बच्चों के लिए उन्होंने बकायदा एक स्कूल खोल रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गया। लेकिन मनोज कुमार के प्रॉपर्टीज की खरीदने की का जो सिलसिला है वो अब तक बंद नहीं हुआ है। और भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, अशोक नगर। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड फैमिली की। सामान्य से कोऑपरेटिव ऑफिसर मनोज कुमार ने भ्रष्टाचार के पैसे से एक नहीं बल्कि रांची में कई सारी प्रॉपर्टीज अर्जित की है। उनके पास आज की तारीख में राजधानी रांची में अकूत संपत्ति है, जिनमें से कुछ तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब आप वह
तस्वीर देखिए, जिसको देखने के बाद शायद आपके पास कुछ कहने को शब्द नहीं होंगे। ये अशोक नगर रोड नंबर 4B है, और अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं वह प्लॉट जिसे मनोज कुमार ने, SC सिन्हा जो रांची एरिया बोर्ड में कभी GM हुआ करते थे, आज की तारीख में नहीं है, उनके परिजनों से खरीदा है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के सामने आने के बाद शायद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। यह कुल 8 कट्ठा जमीन है, और इसकी एवज में मनोज कुमार ने मात्र 1,30,00,000 रुपये ही SC सिन्हा के परिवार को चुकाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मनोज कुमार ने SC सिन्हा के मकान को भी तोड़ डाला, उनकी बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, और आज की तारीख में SC सिन्हा साहब के परिजनों को यहाँ रहने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हमारा फोकस मनोज कुमार के भ्रष्टाचार की ओर है, और हम तस्वीरों में लगातार आपको मनोज कुमार के भ्रष्टाचार से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट एनामूल जी हैं। एनामूल जी, कुछ तस्वीरें तो हमने देखी, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह महज एक झांकी ही होगी, सारी तस्वीरें सामने आनी अभी बाकी ही होंगी, शायद हम ढूंढ पाए अथवा नहीं, लेकिन जितनी तस्वीरें हमने ढूंढी, जो देखा, वह सचमुच आश्चर्य कर देने वाला है। आखिर ये पैसे इनके पास आए कहाँ से, इतना सारा धन इन्होंने कमाया कैसे, कोई जानकारी? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो है व्यापक रूप से शुरू से ही भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे हैं, और ये जांच के नाम से काफ़ी लूट खसोट मचाते हैं। जब से कोऑपरेटिव विभाग में आए, इनके द्वारा जितना भी जांच किया गया है, उस जांच रिपोर्ट को पुनः जांच कराया जाए तो इनकी हकीकत मालूम हो जाएगी कि ये जांच सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। और ये इस प्लॉट को भी जो लिया गया है, इस प्लॉट को लेने में भी जब यहाँ में फर्स्ट में जाँच में आए थे, उस समय जाँच पर दबाव बनाकर लोगों को प्रताड़ित कर ये प्लॉट खरीदा गया है, जो बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद पुनः जब जांच के लिए अभी फिर वो अपने लिए थे, उसके बाद जब इस पर लोग समय सोसाइटी के लोग यहाँ के पड़े उनके विरोध में, तब उनको जो है यहाँ से हटा के गिरिडीह कर दिया गया है। इसी तरह जो है गिरिडीह बैंक में, झारखंड राज्य सहकारी बैंक में इन्होंने अवैध नियुक्ति किया है, जिसमें एक तो इनका अपना भतीजा भी है और एक भगना भी है, और वहाँ के स्टाफ के लोग का है, और जांच रिपोर्ट आ चुका है, DC के द्वारा जांच रिपोर्ट दिया जा चुका है, निबंधक के द्वारा विभाग को लिखा जा चुका है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब तो ये बात है कि सच बोलना या सच कहना बड़ी मुश्किल की बात है, और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के अनेकों और मामले अभी धीरे धीरे खुलेंगे इनके बारे में, तो पता चलेगा कि एक सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोऑपरेटिव में इस तरह का है। और कोऑपरेटिव में बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है, लेकिन कार्रवाई में नाम मात्र का नहीं है। जी, तो ये प्लॉट संख्या 376A है, हालांकि इसे कायदे से 376B होना चाहिए, क्योंकि SC सिन्हा साहब की जो प्रॉपर्टी है उससे सटा हुआ है, और उन्हीं से इसकी खरीद भी की गई है, और उसकी संख्या 375B है, तो इसे 375B होना चाहिए, लेकिन ये है 376A। यहाँ मनोज कुमार की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी तलाश हम लगातार करते चल रहे हैं, इस और हमारा यह प्रयास जारी है। अब आगे देखते हैं हमें क्या कुछ मिल पाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, होटल आर्ची रांची। प्रॉपर्टी किसकी है? सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार एंड तोते की। अब ED आप चुन लीजिए आपको ऑफिस कहाँ खोलना है। ये तमाम प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी है। खैर, अब जान लीजिए मास्टरमाइंड मनोज कुमार हैं कौन। मनोज कुमार एक सहकारिता पदाधिकारी हैं। इन्होंने शुरुआत रांची में प्रॉपर्टी डीलिंग से की, दूसरी JPSC में इनका चुनाव हुआ। जैसे लेक्चर भर्ती का मामला विवादास्पद था, ठीक उसी तरह इनके जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे, पर इनकी नियुक्ति का मामला CBI तक गया। पर अचानक से इनके जैसे कई नाम CBI की लिस्ट से गायब हो गए। न्यूज़ 11 भारत इस मामले को भी कोर्ट लेकर जाएगा। खैर,
मनोज कुमार 2008 से सेवा में है। फिलहाल उन पर एसीबी की जांच चल रही है। मनोज कुमार ने अपनी पत्नी कंचन कुमारी, पिता सुरेंद्र कुमार के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। मनोज कुमार ने मुकेश कश्यप नाम का तोता भी पाला। अब ईडी को डिसाइड करना है कि उन्हें अपना ऑफिस कहां खोलना है, क्योंकि ये सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। आकाश, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जो ये जमीन है, इस जमीन के खास बात ये है कि इस जमीन की पावर तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती थी। करोड़ों करोड़ रुपए की ये जो जमीन है, इस जमीन के पावर को जबरदस्ती ट्रांसफर करवाया गया, वो भी अपनी ताकत दिखा करके। इस जमीन में खोजबीन करने पर यह पता चलता है कि किसी रोशन की बहन की ये जमीन थी, और इस जमीन का हस्तांतरण संभव ही नहीं है। पैसे का खेल हुआ है, और पैसे का खेल करके और उसके बाद फिर इस जमीन का हस्तांतरण, पावर हस्तांतरण हुआ है, जबकि यह संभव ही नहीं था। इस जमीन का पावर जो है वो हस्तांतरण हो ही नहीं सकता, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, नियम संगत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आकाश, एक और बात है। सवाल यह उठता है, जो बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि वो जो मनोज जी हैं, ये कहते हैं कि भाई हम तो सहकारिता पदाधिकारी, हमने कोई घूस ली है, कि आप पता लगा के बताइए कि भाई हमने कोई घूस ली है। सर, आपने घूस नहीं ली, आपकी बात पर हम यकीन कर लेते हैं, चलिए हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम एसीबी को जवाब देंगे, पर एसीबी को आप क्या जवाब दे रहे हैं वो हम भी जानते हैं। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि भाई मेहनत की कमाई से, तो ये नुस्खा वो हमें भी बताएं कि मेहनत की कमाई से ऐसी आलीशान प्रॉपर्टीज आखिर उन्होंने खरीदी कैसे, वो कौन सी मेहनत है और वो किस दिशा की मेहनत है, जिस दिशा में उन्होंने मेहनत की है। मैं उनको इन्वाइट करता हूं, वो आए, आपसे मिलना चाहें, आपसे मिले, नहीं तो मैं ससम्मान बाकायदा गर्मा गर्म चाय के साथ उनका स्वागत इस स्टूडियो में करूंगा। सामने बैठेंगे, मनोज जी आइए आप भी, और आपके तोते को भी मैं इन्वाइट करता हूं, मुकेश जी आप भी आइए, दोनों सामने बैठेंगे, मैं इधर बैठूंगा, आपसे दो तीन सवाल जवाब, सवाल जो, चूंकि हम मीडिया, हमारा अधिकार है आपसे सवाल करना, हम सवाल करेंगे, हमारा कर्तव्य है, आप जवाब दीजिएगा। आपका जवाब अगर लोगों को पसंद आएगा, जनता सामने देख रही होगी, संतोषजनक होगा, मैं सर झुकाऊंगा और मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर यहां पर नहीं बैठूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। और आपको एक और चैलेंज दे देता हूं, मनोज जी आप आइए, एक बढ़िया से एप्लीकेशन न्यूज 11 भारत के नाम आप लिख दीजिए, शुद्ध, बिना शुद्धि वाला, अपने हाथ से लिख दीजिए, कल से आपकी खबर न्यूज 11 भारत पर नहीं चलेगी, मान लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। आकाश जी आपकी बारी, बोले जी। देखिए, पहले जो आपका पहला सवाल था वो ये था कि जो प्रॉपर्टी हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ली गई है वह गलत तरीके से ली गई है और इसमें रुपए पैसे का खेल हुआ है। हालांकि इस बाबत हमने बहुत बेहतर तरीके से अब तक तफ्तीश नहीं की है, जो करना बाकी है, लेकिन मनोज कुमार की माने तो ये प्रॉपर्टी उनके पिता ने खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी आज भी उनके पिता के नाम से है। लेकिन उनके इस जवाब पर भी मेरे पास एक प्रश्न है कि उनके पिता ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो यहाँ एक छोटा सा, चूंकि ये MIG है, MIG टाइप है, यानी कि मीडियम इनकम ग्रुप का क्वार्टर हुआ करता था, इतना बड़ा आलीशान भवन कैसे बन गया, इसके ऊपर स्विमिंग पूल का निर्माण कहां से उनके पिता ने करा लिया और इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तैयार कर ली, इसका जवाब मनोज कुमार को देना चाहिए। आपका जो दूसरा सवाल था नुस्खे के बारे में कि वो कौन सी, वो उन्होंने ईमानदारी से कमाई की, तो मैं तो मनोज जी को कहता हूं कि न सिर्फ हमें बल्कि झारखंड की जनता बेहद गरीब है, झारखंड के लोग आज भी फांका कसी करने को मजबूर नजर आते हैं। तमाम झारखंडियों को वो नुस्खा बता दें जिस नुस्खे से इतनी ज्यादा कमाई की जा सकती है केवल सिर्फ और सिर्फ मेहनत के जोर पर, कि इतनी जगह पर इतने आलीशान भवन और बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज खरीदी जा सके। आपका तीसरा क्या जो सवाल था वो ये था कि मनोज जी जिस बैच के हैं उस बैच में से आने वाले ज्यादातर अधिकारियों के ऊपर आज भी विभिन्न जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है, उनके कई मामले आज भी विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मनोज कुमार
ने बेहतर तरीके से कभी पढ़ाई नहीं की, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जेपीएससी का अधिकारी बनने से पहले वो रांची में जमीन की दलाली किया करते थे, इसके अलावा एक डॉन के लिए वो अवैध वसूली का काम किया करते थे और इस तरह से उन्होंने उस समय भी काफ़ी रुपए पैसे कमाए थे और उन्हीं रुपए पैसों का इस्तेमाल करके उन्होंने जेपीएससी के अधिकारियों को अपने पक्ष में किया और परीक्षा पास कर लिया। तो मनोज कुमार, और ये जो तस्वीरें अब तक हम दिखा रहे हैं ये महज झांकियां हैं और सारी तस्वीरें अभी आनी बाकी है, ये पूरी कहानी नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है और मनोज जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कहानी बहुत जल्द न्यूज 11 के स्क्रीन पर वो अपने घर में बैठकर ठाट से देखते नजर आएंगे। हमारा तो काम ही है, दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, अपना काम करते रहना, तो हम अपना काम करेंगे और मनोज जी चाय की चुस्कियों के साथ, पकौड़ियों के साथ न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर उन तस्वीरों को भी देखेंगे जो वो शायद देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि मनोज जी खुद ही चलकर सामने आए और बता दें कि वह कौन सा नुस्खा है, वह कौन सी तरकीब है। और उन्होंने एक बात कही कि आप बताइए कि मुझे कौन रिश्वत देगा। आज की तारीख में आप जान लीजिए कि सहकारिता विभाग के पास खरबों खरबों की राशि आती है जो विभिन्न सहकारी समितियों को दिया जाता है ताकि सामुदायिक विकास हो सके, चाहे बुनकर समितियां हो या फिर दूसरी समितियां हो। तो मनोज जी के इस प्रश्न का जवाब मैं तो सीधे सीधे दर्शकों के सामने, दर्शकों की उपस्थिति में, दर्शकों की गवाही में दे देता हूँ कि उन्होंने कैसे रिश्वतखोरी की और कैसे काला धन कमाया। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं और हम दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत कीजिए दर्शकों, हमारी और आपकी जो गाढ़ी कमाई ऐसे लोगों ने खाई है ना, सूद समेत न्यूज 11 भारत सबसे वसूली करेगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखिए इस आलिशान बिल्डिंग्स में आपका ऑफिस हो सकता है, आपको बस संज्ञान लेने की जरूरत है, पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। मास्टरमाइंड तो आपने देख लिया।